नमस्कार, मैं तनुजा अंगड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिल्ली में शराब घोटाले पर भाजपा ने जारी किया दूसरा स्टिंग वीडियो, केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार घोटाले के उद्देश्य से नई आबकारी नीति लाई थी, जिससे चुनिंदा लोगों को फायदा मिले और इससे अर्जित धन का इस्तेमाल पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में किया जा सके। भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कथित शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा के एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो स्टिंग सामने आया है, उसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोल दी है। किस किस से कितना पैसा लिया गया, किस प्रकार से घोटाले हुए, ये सारी बातें उजागर हो गई हैं। मऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी, कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल से लाया गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल से माफिया मुख्तार अंसारी को लाया गया और मऊ की एसपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। पेशी के बाद मुख्तार अंसारी मुस्कुराते हुए पुलिस वैन में पहुंचा। इस दौरान सवाल करने पर कहा कि मेरे बोलने पर पाबंदी है। पेशी के बाद मुख्तार अंसारी को लेकर फिर पुलिस भारी सुरक्षा के बीच बांदा जेल के लिए रवाना हो गई। बांदा जेल से अभी तक मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती रही है। यह पहली बार है जब मुख्तार को मऊ लाकर कोर्ट में पेश किया गया है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही से पूछताछ, चार और अभिनेत्रियों को तलब कर सकती है दिल्ली पुलिस। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्ट्रेस नोरा फतेही और सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी से पूछताछ की। पुलिस ने पिंकी ईरानी और नोरा फतेही को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की। इस केस में नोरा फतेही से 5वीं बार पूछताछ की गई है। इससे पहले एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी से कल पूछताछ की गई थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा चार अन्य एक्ट्रेसेस निकिता तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल से भी पूछताछ कर सकती है। इन अभिनेत्रियों ने तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात की थी और बदले में पैसे और अन्य उपहार दिए गए थे। बिग बॉस फेम निकिता तंबोली ने कहा था कि पिंकी ईरानी ने आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का नाम शेखर बताया था और कहा था कि वे दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माता हैं। लखीमपुर में दलित बहनों की हत्या के मामले में 6 गिरफ्तार, एसपी बोले पुलिस ने तत्काल की कार्यवाही। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 2 दलित बहनों की हत्या के मामले में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया है। ये घटना लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र के तमोलिनपुरवा गांव की है। पुलिस ने पहले इस मामले में आरोपी छोटू को हिरासत में लिया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी संजीव सुमन ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में लगेगा सेमीकंडक्टर प्लांट, शिवसेना ने साधा भाजपा पर निशाना। भारतीय उद्योग समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। इस पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार से सवाल किया कि जब महाराष्ट्र से डील लगभग पक्की हो गई थी तो यह प्लांट गुजरात कैसे चला गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने भी कहा कि सेमीकंडक्टर प्लांट राजनीतिक दबाव में महाराष्ट्र से छीना गया है। महाराष्ट्र ने पुणे के तलेगांव में प्लांट के लिए 39,000 करोड़ रुपए की छूट देने का ऑफर दिया था, जबकि गुजरात ने सिर्फ 29,000 करोड़ रुपए की छूट दी है। हालांकि सेमीकंडक्टर की पॉलिसी बनाने वाला गुजरात इकलौता राज्य है। अफगानिस्तान ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा मसूद अजहर पर झूठ न बोले पाकिस्तान। कई बम धमाकों के मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा है। अब उसके इस झूठ की पोल अफगानिस्तान ने भी खोल दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में नहीं है, वह पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने हाल ही में पत्र लिखकर कहा था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान के नंगरहार और कनहर इलाके में छुपा हुआ है। इस पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जैश ए मोहम्मद एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान में ही हो सकता है। सड़क हादसे में बाल बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कार से टकराई बाइक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कार दुर्घटना में बाल बाल बच गए, उन्हें हल्की चोटें आई हैं। राष्ट्रपति की कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई थी। दुर्घटना के बाद डॉक्टरों की टीम ने राष्ट्रपति की स्वास्थ्य जाँच की और उन्हें एम्बुलेंस से राष्ट्रपति आवास ले जाया गया। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी इस हादसे की जाँच कर रही है।
वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी कब्जे से हाल ही में मुक्त कराए गए शहर इजियम का दौरा किया और सैनिकों का अभिनंदन किया। रूसी सैनिकों ने पिछले हफ्ते यूक्रेन की जवाबी कार्यवाही पर इजियम शहर को छोड़ दिया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।